Welcome friends, once again welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes and myself Mukesh Kumar Pante. In today's session, mein. it is the part number 5, it is the last and final part for revision and tricks for poetry section class 12th English paper Bihar board. बिहार बोर्ड के इंग्लिश पेपर के पोएट्री सेक्शन के फ्रॉम पोएम वन टू टेन पोएट्री सेक्शन के रिविजन एंड क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए उन तमाम ट्रिक्स का आज लास्ट एंड फाइनल पार्ट है इट इज पार्ट नंबर फाइव हमारे प्रीवियस क्लासेस में फ्रॉम पार्ट नंबर वन टू पार्ट नंबर फोर पार्ट नंबर वन टू थ्री एंड लगातार लगातारू फोर एक से चार तक के क्लासेस में हमने तरह तरह के ट्रिक्स बताए हैं जो पोइट्री सेक्शन के लिए उनके प्रश्नों के उत्तर लिखने में प्रश्नों के जवाब देने में आपको कारगर साबित होंगे फ्रेंड्स फ्रॉम पोएम नंबर वन टू टेन रेनबो पार्ट सेकेंड ट्वेल्थ के जो इंग्लिश पेपर का किताब है रेनबो पार्ट सेकंड, फ्रॉम पोएम नंबर वन टू पोएम नंबर टेन सभी का हिंदी समरी एंड इंग्लिश समरी एंड कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट कवि का कंप्लीट परिचय इन सब को बताने के बाद हम अब पहुंच चुके हैं अपने फाइनल क्लासेज में जहां पर हम सिर्फ ट्रिक्स का जिक्र करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कैसे हम पोइट्री सेक्शन के तमाम प्रश्नों का जवाब दे सके तो चलते हैं आज फाइनल क्लासेस में देखते हैं फ्रॉम पोएम नंबर वन टू टेन के उन तमाम ट्रिक्स के बारे में जिसको आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप बिहार बोर्ड के नेक्स्ट ईयर में होने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस कंडीशन में उन ट्रिक्स को जानना जरूरी है जिससे कि आप अपनी परीक्षा में बेहतर ढंग से प्रश्नों का जवाब दे सके सबसे पहला कंडीशन है कि नंबर टू टेन, सबका समरी आपको जानना जरूरी है, यानी कि कंप्लीट स्टडी आपको जानना जरूरी है और यह कंप्लीट स्टडी कंप्लीट वीडियो के द्वारा एमपीएस मोटिवेटर के थ्रू आप तक पहुंच चुका है पहुंच रहा है हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में बीस क्लासेस में पर पोएम पर हमने दो क्लास दिए हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड समरी क्लास इस प्रकार दस कविताओं के लिए हमने बीस क्लास दिए हैं अपने इस चैनल के माध्यम से और आप सभी परीक्षार्थियों के लिए हमने बिल्कुल डेडिकेटेड समर्पित होकर के उन सारे चीजों को बताया है हिंदी एंड इंग्लिश में उन सारे समरी को मैंने समझाया है उम्मीद है आशा है कि आप उन तमाम वीडियो को देखने के बाद जब आप इस लास्ट ट्रिक्स के बारे में जानेंगे पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से होगी सो फ्रेंड्स चलते हैं कुछ पॉइंट्स जिसका जिक्र करना जरूरी है जिसके बदौलत आप अपनी तैयारी को और फिट कर सकते हैं और अच्छी ढंग से प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं So, this is the first. So, friends, this is the first point reading of summary in Hindi. हमने जो समरी बताया है इंग्लिश एंड हिंदी में अपने प्रीवियस क्लासेस में उन तमाम समरी का हिंदी में पहले रीडिंग करना है सबसे पहले हिंदी में रीडिंग करना है एक बार नहीं दो बार नहीं चार से पांच बार एक कविता का सारांश हिंदी में चार से पांच बार कम से कम रीडिंग करना है आपको आप छह बार भी कर सकते हैं और अच्छा दस बार रीडिंग करेंगे सोने पे सुहागा होगा पॉइंट नंबर टू फ्रेंड्स दिस इज पॉइंट नंबर टू एंड पॉइंट नंबर टू में लिखा हुआ है राइटिंग ऑफ समरी इन इंग्लिश दसों कविताओं के समरी को वन बाई वन आपको अंग्रेजी में लिखना है और ठीक उसी तरह से जैसे हिंदी में अगर आपको पांच बार पढ़ना है तो अंग्रेजी में भी आपको पांच बार कम से कम लिखना होगा एक बार दो बार लिखने से काम नहीं चलेगा चार बार पांच बार छह बार दस बार लिखे और बेहतर होगा और अच्छा होगा

कंप्लीट इंट्रोडक्शन कवि का परिचय आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा कवि का जन्म कहाँ हुआ कवि किस देश में जन्म लिया कवि का पूरा नाम क्या था कवि ने कविता कब लिखी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कविताएं लिखी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कहानियां लिखी कवि का डेथ कब कभ हुआ कवि इस कविता के माध्यम से क्या चर्चा कर रहा है किसके बारे में लिख रहा है इन सारे कॉन्सेप्ट का आपको कंप्लीट ज्ञान रहना चाहिए उ पॉइंट नंबर फोर ऑब्जेक्टिव ऑफ पोएम दिस इज द पॉइंट नंबर फोर फ्रेंड्स कवि ने जो कविता लिखी है उसके लिखने के पीछे क्या मकसद था क्या उद्देश्य था उसको जानना जरूरी है उसको समझना जरूरी है जो पॉइंट नंबर फोर में आपको बताता है जब तक कविता का उद्देश्य नहीं समझेंगे कविता का समरी आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे नाउ चलते हैं पॉइंट नंबर फाइव एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट दिस इज द पॉइंट नंबर फाइव रीडिंग ऑफ पोएम्स इच लाइन ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कविता के प्रत्येक लाइन का रीडिंग या कह सकते हैं प्रत्येक कविता का रीडिंग एक बार दो बार नहीं कम से कम पांच बार छ बार सात बार आठ बार सो फ्रेंड्स टूडे इट इज द सेशन एंड इट इज द पार्ट नंबर फाइव आज के रिविजन सेशन में पार्ट नंबर फाइव में ये फाइव पॉइंट्स रिमार्केबल हैं उल्लेखनीय हैं आपके पोइट्री सेक्शंस के प्रश्नों के जवाब देने के लिए एकदम बेहतरीन है आशा करते हैं हमारे सभी वीडियोस को देखने के बाद हमारे सभी कविताओं को पढ़ाने के बाद सभी वीडियोस को देखने के बाद आपका लेवल आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर तो जरूर हो गया होगा कि आप हमारे इस ट्रिक्स के बदौलत और हमारे हिंदी में समरी और अंग्रेजी में समरी पढ़ाने के बाद एम पी एस मोटिवेटर्स के थ्रू जारी किए गए सभी वीडियो को देखने के बाद आपका प्रिपरेशन पूरे सौ परसेंट पर पहुंच चुका होगा एक परसेंट भी कम नहीं बिल्कुल सौ परसेंट पहुंचा होगा उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से होगी और आपकी परीक्षा बेहतर जाएगी यह हमारा लास्ट पार्ट था फॉर रिविजन ऑफ पोइट्री सेक्शन नेक्स्ट क्लासेस में हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे यू मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेज पोइट्री सेक्शन की यहां पर एंडिंग हुआ अब हम शुरू करेंगे प्रोज सेक्शन सो फ्रेंड्स यू मस्ट वॉच वीडियोज थ्रू एमपीएस मोटिवेटर्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करें लाइक करें पॉजिटिव कमेंट्स करें आपकी तैयारी के लिए हम लोग डेडिकेटेड हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मच